नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। महंगाई और गरीबी से आम जनता बदहाली में जीवन व्यतीत कर रही है। कर्ज में डूबी सरकार के सामने दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि IMF से कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। विश्व के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। विश्व बैंक ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। खराब आर्थिक हालात के कारण 1.25 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए देश को तत्काल कदम उठाने होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन स्थित ऋणदाता ने शुक्रवार को एक मसौदा नीति का अनावरण किया। इसे पाकिस्तान की अगली सरकार के लिए सभी हितधारकों की मदद से तैयार किया गया। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी एक साल के भीतर 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई। इसके साथ ही 1.25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। पाकिस्तान में 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के आय स्तर को गरीबी रेखा माना जाता है। मसौदा नीति में कहा गया है कि लगभग 9.5 करोड़ पाकिस्तान के लिए। विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री गोइबास हक ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल अब गरीबी हम कम नहीं कर रहे और समक्ष देशों के मुकाबले यहां जीना स्तर घट रहा है। विश्व बैंक ने कृषि और रियल इस्टेट पर कर लगाने तथा बेकार के खर्च में कटौती करने का आग्रह किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।